यहाँ के बहुत ही इंटरेस्टिंग मार्केट में, जहाँ पे आपको डॉग से लेके, रैट से लेके, स्नेल से लेके, फिशेस लेके आप जो जानवर देखोगे बहुत सारे यहाँ पे, मतलब आई थिंक आपको हर जानवर मिलेगा एंड इट इज़ यूज फॉर ईटिंग। तो चलिए मैं आपको लेके चलती हूँ इस बहुत ही अजीब और गरीब बाजार में। तो ये है रैट, बहुत ही क्यूट लग रहा है, मुझे तो बहुत दया आ रही है इनके ऊपर एंड ये भी, इनको भी खाया जाएगा, मुझे सोच के पता नहीं क्या हो रहा है। एंड ये मेरे पीछे डॉग्स हैं, आई थिंक इनको खाया जाता है, उसके लिए रखा हुआ है, ये खाने के लिए रखा है, ये खाने के लिए। तो छोटा ही खाते हैं या बड़ा वाला भी खाता है? बड़ा भी खाता है। टेस्ट एक जैसा होता है बड़ा छोटा? अच्छा, तो ये एक मतलब कहाँ स्ट्रीट अलग अलग टाइप का होता होगा ना? एक ही है। फिशेस भी आप देखो, पूरा पूरा फिश है यहाँ पे, मतलब ड्राई किया हुआ है आई गेस। ग्रासहॉपर्स एंड दीज आर ग्रासहॉपर्स। ये है फिश जो कि जिंदा है, अभी देखो तैर रही है। और यहाँ पे देखिए कोरियन का अंडा है, इसको भी खाने के लिए यूज होता है। ये खाते हैं क्या? बॉईल करके खाता है, इसको कच्चा भी खाते हैं और बॉईल करके भी खाते हैं। तो जो चिकन का अंडा होता है और कोयल का टेस्ट एक ही होता है? भैया बोल रहे हैं कि जो कोयल का अंडा है और चिकन का अंडा है ऑलमोस्ट सिमिलर टेस्ट होता है। ये देखिए, ये सब कोयल है, ये कबूतर है, वो कोयल है। ये है जो डॉग मीट है एंड इसका टेस्ट दीदी कैसा होता है? बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी है। चिकन से अलग है? चिकन से अलग है, चिकन दीदी बोल रहे हैं कि चिकन से बहुत अलग टेस्ट है इसका। एंड जैसे भैया भी बता रहे थे कि बहुत गर्म होता है ना, गर्म ठंड होती है, तो गर्मी इसको खाते हैं आप, तो जैकेट का भी जरूरत नहीं पड़ता है। 400 रुपीज़ 1 kg। एंड इसको क्या बॉइल करके खाते हैं? ड्राई भी खाता है, बॉइल खाता है। गाइस लुक एट दिस क्यूट पपीज। ये खम्बुक, खम्बुक स्नेल है क्या? स्नेल, ये देखिए स्नेल। तो आप मुझे कमेंट्स में बताइए आपने कोई ऐसा मार्केट देखा है क्या? अगर देखा है तो वो कौन सा मार्केट है, क्योंकि मुझे नहीं पता ऐसा और कौन सा मार्केट है। तो मेंशन इन द कमेंट्स। एंड अगर वीडियो पसंद आया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए एंड लाइक कर दीजिए। सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय। जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ वो चीज़ बहुत ही कम जगह, आपको पता होगा यहाँ पे बहुत ही फेमस है डॉग। अरे मत कर यार।